टीम को लेकर के धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर सरसा। अभी फिलहाल मौजूद हूँ सिवानी के अंदर और जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त के दिन हर जगह पे तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। सिवानी के अंदर इधर से उनकी तिरंगा यात्रा सिवानी से जो शुरुआत हुई थी और लोहारों के अंदर प्रवेश कर गाड़ियों का काफिला है। पुलिस अपने ड्यूटी के अंदर लगी हुई है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना बिगड़े। आजादी का 75वें अमृत महोत्सव के अंदर जो गौरव यात्रा निकल चुकी है, इस तरीके से व्यक्ति हैं राजकृष्ण पटिया जो यहाँ से पूरा जिला प्रमुख आ रहे हैं उनकी गौरव में स्वागत के लिए जो यात्रा है लोहारू हल्के के अंदर 75 किलोमीटर की लंबी यात्रा शिवानी से शुरू होकर लोहारू पहुंचेगी और अभी प्रस्थान कर चुकी है। अनेकों गांव से होते हुए सुरपरा गांव के अंदर पहुंची है, लेकिन सुरपरा गांव की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर के अंदर जो है वो बहुत कुछ बयां हो रहा है कि लोहारू हल्के के अंदर इस समाज सेवी के प्रति जो प्रेम नजर आ रहा है लोगों का, वो शायद देखते ही बनता है। हर व्यक्ति के पास तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है, बच्चे भी तिरंगे के अंदर लबालब हो रखे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप जो नुक्कड़ मैं कह सकता हूँ कि एक सभा होते हैं, आम सभा होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो वो नजर आ रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे जो राजेंद्र सिंह पटिया ने अपनी बसें चला रखी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अपना अभियान है, अपने देश का गौरव है लड़कियाँ, उनके लिए जो बसें चला रखी हैं वो आप कई तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और इधर थोड़ा सा कैमरा मैन करके दिखाऊंगा, उधर से भी दिखा दे कि जो नारे लग रहे हैं वो ऐसे प्रेम तो के अंदर नारे लग रहे हैं। काम के तो कितने काम गिनावा, तो अनगिनत काम करे, कितने काम गिनावा ये बताओ, काम में कोई कमी तो छोड़ दो। आप सभी से अनुरोध है कि भाई साहब के समर्थन में उनको हाथ करके नारे लगाए। एक बार तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूंगा, यहाँ डांस देख सकते हैं, थोड़ा सा डांस की तस्वीरें आप लाइव तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि कुछ तरीके से इनके गाना गा करके जो है वो राजवीर सिंह फटिया का स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सुरपरा गांव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा गांव जो है वो एक साथ नजर आ रहा है। तिरंगा यात्रा के अंदर गाँव जो है पूरा जुड़ गया है और ये देख सकते हैं। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं सबसे लंबी, कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा की पूरे देश भर की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सिवानी से लोहारू तक 75 किलोमीटर की यात्रा तय करके और लगभग हजारों गाड़ियों का काफिला जो है और राजवीर सिंह पटिया जो पूरा जिला प्रमुख रहे हैं वो लोहारों की तरफ प्रस्थान कर चुका है। और अभी सिंघाणी गाँव के अंदर पहुँचने पर काफी लोगों के द्वारा आप देख सकते हैं मैं कैमरा मैन से कुछ लोगों के डांस किया जा रहा है, मतलब खेलों के साथ तोला जा रहा है। लाइव तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दें कि राजवीर सिंह फटिया को लोगों ने किस प्रकार से घेर रखा है। ये वो एक ऐसे समाज से भी है जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, ये लोगों के कहने हैं। तो आप लाइव तस्वीरों के अंदर जो आप देख रहे हैं कि इनको फ्रूट्स फलों से जो है वो तोला जाएगा अभी, और काफ़ी संख्या के अंदर सिंघाणी ऐतिहासिक गाँव रहा है, क्योंकि 1935 के अंदर अगर बात करें तो कई लोगों ने शहादत दी थी। थोड़ा सा मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आगे दिखा दे एक बार की तस्वीरें। तो आप यहाँ लाइव तस्वीर के अंदर, ये अकेला गांव नहीं है, हर गांव के अंदर जहाँ पे भी गए हैं उस गांव के अंदर इनको खड़ों से बात करे गए हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद में लोहारू के अंदर प्रस्थान करके राजवीर सिंह पटिया अभी आपके लाइव तस्वीरों के अंदर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे तोला जाकर एक छोटी सी बातचीत उनके साथ में करेंगे। तो आप लाइव तस्वीरों के अंदर किलो वजन जो है वो यहाँ पे तोला जा रहा है फूलों के साथ में, बरसात
हो रही है। आप लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, शिवानी से चल करके लगभग 5 बज चुके हैं। कैसा महसूस रहा, थोड़े शब्दों में बता दीजिएगा। महसूस का तो आज की जो ये हमारी गौरव जो यात्रा है, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, तुरंत लोग खबर देखते हैं। पूरे देश में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश था वो ये था कि 75 किलोमीटर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जानी थी, और उसमें हमारे जिला भिवानी में जो आते थे वो सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 18 किलोमीटर की यात्रा निकलनी थी। और जिस तरह से आप देख रहे हो, इतना जोश नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद, मेरी मातर का इतना प्यार प्रेम, उनका मेरे लिए आशीर्वाद। आज सुबह से आप देख रहे हो शिवानी से साथ हो, किस तरह से हुजूम उड़ रहा है, किस तरह से नौजवान साथियों का अपने भाई के प्रति जो प्यार प्रेम जो मिल रहा है, तो इसमें थकावट की तो कोई बात ही नहीं होती। ये हल्का लुहारू ऐसा हल्का है, ये इतिहास रचने का काम करता है। वो इतिहास चाहे गोपालवास की बात आई हो, चाहे कोई दूसरी बात आई हो, हमेशा इतिहास रचा है। और आज भी पूरे देश में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरे देश में ये इतिहास रचा गया है कि 75 किलोमीटर एक दिन में, जो कि जिले की जिम्मेवारी थी 4 विधानसभा क्षेत्र की, वो अकेले लुहारू ने करके दिखाई है। और वो जो करके दिखाई है हमारे नौजवान साथियों के सहयोग से, अपने भाई को मानते हुए, किसी ने छोटा भाई, किसी ने बड़ा भाई, और बुजुर्गों ने अपना अपना बेटा मान करके, मेरी मातृ शक्ति ने अपना बेटा मान करके, बहनों ने अपना भाई मान करके किस तरह का जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं पूरे हल्का लुहारू का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और इस कलयुग के टाइम में ये कहना चाहूँगा कि इतना मान सम्मान शायद किसी को नहीं मिला होगा, जितना कि 3-4 साल के अरसे में मैं जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गया हूँ, नौजवान साथियों ने एक अलग जगाई है। पूरे देश में हल्का लुहारू की चर्चा होती है, आज नौजवान साथियों ने किस तरह से एक अपने भाई के प्रति जो प्यार प्रेम जो दिखाया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय जवान। सजग संसार दैया साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे दिन गर्मी में तपती धूप में हमारे साथ चले। हम सुबह 8 बजे सुवाणी से चले थे, और चलते चलते पहल के अंदर और सिंगाणी के अंदर इतना प्यार प्रेम बहनों का, हमारे दोस्तों का, बुजुर्गों का इतना प्यार प्रेम मिला। आने वाले टाइम में इतना परिवर्तन हो जाएगा और भाई साहब रिकॉर्ड और मधु से जीतेगा। जय कैमरामैन को, क्योंकि लाइव तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, देश भर के अंदर 75 किलोमीटर की यात्रा जो शायद नहीं निकालेंगे, क्योंकि लोहारू क्षेत्र के अंदर ये शिवानी से चली थी, और अकेला हल्का है जो शायद इतिहास का एक गवाह बनेगा कि अकेला एक व्यक्ति जो 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा करने के बाद में सुबह 9:15 बजे से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा, और जो अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। और अभी आप लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, तो आगे की तस्वीर। सबसे पहले तो मैं राम राम। 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा, अक्सर क्या कहेंगे आज की इस प्रोग्राम के बारे में? आज की इस यात्रा में शायद हरियाणा के भारत में ही पहले 75 साल पूरे होने के बाद पहला हल्का लुहानी जिला लुहारू हल्का राजवीर फंडिया की टीम 75 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाला पहला हरियाणा में पहला आदमी होगा। और इतना जुनून, इतना जोश, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सुबह 9 बजे से शिवानी से चले थे और शाम को 7 बजने को है, वैसा ही काफिला आप हजूम देख रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत टॉप। ऐसा कभी होया नहीं है, पीछे 75-74 साल गई ऐसी यात्रा हुई। बोल तो ये मतलब देश के समर्थन में था, या फिर मतलब प्यार था लोगों का राजवीर फंडिया के प्रति? ये देश के लिए लोग आ रहे थे। आप स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या आप लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, आज़ादी के बारे में इस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पता होगा। पहली बार देखा मैंने ऐसा माहौल, पहली बार देखा है। मेरी उम्र होगी 53 साल की उम्र होगी, मैंने कभी नहीं देखा। फौज में कितने साल रहे हो आप? पिताजी रहे थे। आपके पिताजी रहे, तो मतलब आज़ादी के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपके बारे में 40 साल गया मेरे, 40 साल से पहले तिरंगा अंदर है। 40 साल पहले कभी होगा मालूम नहीं मेरे को, 40 साल के अंदर तो कभी होगा। शिवानी से प्रोग्राम में आए हुए थे तो क्या कहेंगे लोहारों के अंदर इस प्रकार का जो जन समर्थन मिला है, 75 किलोमीटर की लंबी तिरंगा यात्रा निकाली है, क्या कहीं देखी आपने ऐसे पहले? नहीं जी, कहीं नहीं देखी, ये पहली बार देखी है। तो इतना लंबा सफर से चल के आ रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम, सारी जगह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा प्रोग्राम हमने कभी नहीं देखा पहले कभी नहीं देखा नहीं कभी नहीं देखा
आप यहाँ आए लोहारू में? राजवीर पेटी आप कितने दिन से जानते हैं? काफी दिन से जानते हैं जी। राम राम। राम राम से। भिवानी से। भिवानी से। हाँ जी। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया प्रोग्राम। या तो ये ऐसा प्रोग्राम दीपेंद्र सिंह उठा कर सकते हैं या राजवीर पेटी आ कर रहा है। मैडम और हमारे साथ। मैडम नमस्कार, कहाँ से? कहाँ से हो आप? भिवानी से। तो कैसा? मैं भिवानी से प्रेमवती गोयल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस की। जो आज ये गौरव यात्रा निकाली गई है, ये भाई राजवीर पेटिया की जैसे जिम्मेवारी थी जो लोहारों में निकाली है, ये एक बहुत अलग से इतिहास रचा गया है। यह प्रोग्राम तो भाई दीपेंद्र सिंह के थे या आज भाई राजवीर पेटिया के हैं। जो भाई साहब ने जो काम किए हैं लोहारों में, जो हमारी महिलाओं के साथ, जो हमारी बेटियों के साथ, जो बसें वगैरह लगा रखी है, जो सुविधा भाई साहब ने दे रखी है, वो एक सराहनीय है। जो तो माता की सेवा करता है उसका भगवान आप आशीर्वाद देता है। हम देश के लिए 75वां अमृत महोत्सव देश मना रहा है, क्या कहेंगे ऐसी 75 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय हुई है, तो कैसा लगा? ऐसा है कि भटिया जी की जो मेहनत, लगन, ईमानदारी, सच्चाई और लोगों के प्रति एक ऐसी भावना है, काम करने की जिज्ञासा है, इसके में काम करके दिखाएंगे। हजारों युवा, मैं कह सकता हूँ कि बुढ़ापे के अंदर भी युवाओं जैसा जोश हुआ वो देखें तो उगम सिंह पहलवान के अंदर आप देख सकते हैं। पहलवान जी, 5 किलोमीटर की यात्रा 1.5 घंटे में तय हो सकती है, लेकिन 75 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में आज तय हुई है, तो आज क्या कहोगे इस खुशी के बारे में? सजग संसार भैया साहब, हम तो आपको ये कहेंगे, हमारे को तो ये 75 किलोमीटर 5 किलोमीटर के समान लगी है। हम कोई महसूस नहीं करते, आगे पहाड़ आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, चलते रहेंगे। भाई साहब के साथ रात और दिन एक कर रखे हैं हमारे। त्योहारों में पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं कि बारिश के अंदर किस प्रकार से, क्योंकि बारिश लास्ट के समय में जब लोहारू पहुंचे तब बारिश ने कहर मचा दिया था, लेकिन फिर भी जो मेहनत जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो बारिश में ऐसे ही चलते रहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, भैया साहब। लास्ट में सर लोहारू में पहुंच चुके हैं, बारिश ने थोड़ा सा खलल डाला, लेकिन उसके बावजूद भी आपने परमपिता परमात्मा ने भी स्वागत किया है, और शायद मेरे को भी ये मौका नहीं मिलता पूरी बारिश निकल जाती नहाने का। आज तो ज़बरदस्त नहाए हैं और इतना जश्न मनाया, नौजवान साथी कह रहे थे कि बड़ा मज़ा आ गया, तो आज तो मज़ा आ गया, भगवान ने मोती बरसा दिए और स्वागत, गर्मी निकाल दी, गर्मी निकाल दी, थकावट दूर होगी, और इतना प्यार प्रेम और जन समर्थन। आप हल्का लोहारू में और भी प्रोग्राम देखते हो, अदर पार्टियों के भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इतना दिल से अगर कोई प्रोग्राम देखोगे तो शायद कोई प्रोग्राम आपको मिले। एक चीज़ और पूछूंगा सर, पूरा देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकल रही है, 75 किलोमीटर का लंबा काफिला चला है, मतलब कई लोग सोचते हैं कि 1 किलोमीटर में लोगों को जोड़ करके फ़ोटो खिंचा करके चलें, लेकिन 75 किलोमीटर की यात्रा जो 1.5 घंटे में तय हो सकती थी उसको 10 घंटे लग गए, तो ये इसके बारे में क्या? भैया साहब, वो 10 घंटे लगना तो चलो अपने उसमें था, 10 घंटा तो इतना लंबे टाइम में लगता ही है, लेकिन अगर पूरे भारतवर्ष में जो कार्यक्रम था इसमें 75 किलोमीटर का हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया था कि 75 किलोमीटर पूरे जिले में निकालना, जिले में निकालनी थी और निकालनी थी, की बात नहीं थी, और हल्के की बात नहीं थी, और वो इतिहास अगर वो चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे राजवीर फर्टिया का प्रोग्राम हो, चाहे हमारे जब जनरल बॉडी की जो वोटिंग की बात आई उसकी बात हो, चाहे गोपालवास में एक रैली जो सफल रैली हुई उसकी बात हो, कोई भी बात हो, अगर इतिहास बनता है तो हल्का लोहारू से बनता है, और वो भी अपने भाई के प्रति नौजवान साथियों का इतना विश्वास, इतना कंधे से कंधा मिलाकर उनका, आज आप देख ही रहे तो किस तरह से हजूम उबड़ा पड़ा था, और लास्ट मेरे ख्याल अब 8 बज गए होंगे, 8 बजे तक सुबह 9 से लगा के और 8 बजे तक, यानी 11 घंटे के टाइम में, अब भी जब तक मैं तो सोच रहा हूँ कि ये चले जाएं तो मैं जाऊँ, और ये सोच रहे हैं चेयरमैन साहब चले जाए तो दिल किसी का नहीं कर रहा जाने के लिए, तो ये तो एक अजीब तरीके का माहौल है, और अपने भाई के प्रति प्यार प्रेम है, तो इसके लिए तो परमपिता परमात्मा से आज बारिश में तो ये कहूँगा कि हमारे
जो पूरे हल्के के नौजवान साथी आए और खुशी में और खुशी को चार चांद लगा दिए। धन्यवाद सर। बोलेंगे आज हमारे जो कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक थे भारत गौरव यात्रा के भाई राजवीर फरटिया जी, उन्होंने अपने मुख से बताया कि हर जगह इतिहास रचा है, लेकिन मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, जो शीर्ष लोग जो हैं हमारे, वे यदि कुछ अनुशासन और कोई नई टेक्निक किसी को सीखनी है तो वो राजवीर फरटिया से सीख ले। आप कल्पना करें, भाई साहब ने सारी बातें नहीं बताई, 7 और 7:30 बजे हल्के के प्रत्येक गांव से सारे कार्यकर्ता चले थे, और चलने के बावजूद अब टाइम जो है ना 12 घंटे से ऊपर हो गया है। रास्ते में हमने जो टीम थी सारी, उस टीम ने मुख्य जगह हमने 4-5 जगह प्रोग्राम रखे थे। अब हम थोड़ी देर पहले टैली कर रहे थे, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिस जगह पर राजवीर फरटिया को फलों से, मिठाइयों से और भोजन खिला करके जगह जगह भंडारे लगा करके जो स्वागत किया है, वो तो हमें ध्यान नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। मतलब सोचा नहीं था कि हर गांव में ऐसा प्रोग्राम, हर गांव में जो है अब रक्षाबंधन था। मैंने कई जगह पूछा मेरी माताओं से, बहनों से, भाई गीत किस चीज़ के गा रहे हो, बोला रक्षाबंधन आज ही है हमारा, तो हमारा भाई आज आया है, भाई आज ये जो प्रेम प्यार है ये भाई बड़ा अद्भुत प्यार है, ये परमात्मा की कोई देन है, कोई अद्भुत शक्ति है। मैं तो ये कहूँगा इतना समर्पण लोगों का शायद ही किसी आदमी को मिला हो। ये लोग तो कहते हैं कलयुग, मैं तो कलमयुग बोलता हूँ इसको, लेकिन इसमें यदि ये अवतार के रूप में कोई आदमी आया है सामाजिक कामों के लिए, परमात्मा ने कोई अलग से जो है इस दिव्य आत्मा को भेजी है। है कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, और उस अमृत महोत्सव के अंदर एक व्यक्ति जो लोगों के समाज में बात करें, ये 75 किलोमीटर की नहीं, ये 80 से ऊपर यात्रा गई, एक बात तो ये रही। दूसरे साथियों आपको जान पर खुशी होगी कि इस यात्रा का जब हम आकलन करके चले थे शिवानी से, तो 10,000 से ऊपर लोग थे, और 10,000 से ऊपर का आइडिया सारे साधनों का अपने आप साधन लेके आ रहे हैं लोग। एक साधन की गई वहाँ, 5 आ रहे हैं 5 की कह रहे कि वहाँ 13 लेके आ रहे हैं लोग। ये केवल और केवल प्रेम और प्यार है। रास्ते चलते व्यक्ति से हमने कहा था भाई राजवीर जी यात्रा निकाल रहे हैं, और तो उस यात्रा में आप सहयोग दें। पसीने में पसीने हो रहे क्यों बारिश के अंदर? आज का जो प्रोग्राम था, फिर काफ़ी समय से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या रिजल्ट मिला? बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला जी, हमने सिर्फ 1.5 दिन फील्ड में गए थे, हमने जो हमारे अंदाज से जो मेहनत करी थी ना उससे 2 गुना लोग आ रहे हैं। इसको पता चला उसका फ़ोन आता रहा, भाई साहब मैं भी आऊँगा, मेरे को नहीं गई वो, आ जा भाई साहब मेरे को नहीं गई आऊँगा, आ जा भाई, इस तरह से फ़ोन आ गए लोग अपने आप आए। अच्छा, जिस प्रकार से अपने लाइव तस्वीरों के अंदर देखा कि चेयरमैन साहब की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई थी, और लोगों का बेसब्री से इंतजार जो ख़त्म हुआ आखिरकार, क्योंकि 1.5 दिन की जो मेहनत थी इनकी कि 15 अगस्त आएगी, और 15 अगस्त के पिछले दिन 14 अगस्त को एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, और उस तिरंगा यात्रा जो गौरव यात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी पार्टी के द्वारा जो है वो 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक जो बीच में निकाली गई, ऐसी ऐतिहासिक जो गौरव यात्रा हुई है मैं शायद अभी तक नहीं दिखा पाया हूँ आपको किसी भी तस्वीर के अंदर। जिन लड़कियों के लिए अक्सर ये देखे जाते हैं, आप लाइव तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कितनी रात को ये बहनें मिलने के लिए आई हैं, तो एक छोटी सी बातचीत इनके साथ में करेंगे, देख सकते हैं आप। अच्छा, काफिले में थे, सुबह से साथ हैं आप लोग? सुबह से थे या अभी मिलने के लिए आए हो? सुबह से थे। कैसा लग रहा है मतलब इस प्यार के अंदर, क्योंकि सुबह 7 बजे से अब भी 7 बजे तक लग रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है इस बात की। कॉलेज के लिए आप लोगों के लिए जो बसें लगा रखी हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? बस किस विधा के कारण हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल में कॉलेज टाइम के लिए, मतलब पहले इतनी लड़की नहीं जाती थी कॉलेज में, और बस किस विधा के बाद हर माँ पापा गाल देते हैं स्कूल में, मतलब एक चीज़ और मैं देखूँगा, क्योंकि जब नेता लोगों की कोई मीटिंग्स होती है या रैलियाँ होती है उसमें लड़कियों को लिए इतने रात तक जो है वो शायद पेरेंट्स नहीं छोड़ता है, लेकिन इनके लिए ये लड़कियां जो हैं वो अभी भी रुकी हुई हैं, तो वो वजह जो है वो शायद अलग ही होगी। क्या क्या कहेंगे आप लोग इस टाइम तक रुके हुए हैं, क्या वजह इस चीज़? राजवीर फटे भाई साहब इसकी वजह बस ये लगाई, इतनी हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं, इसके लिए हम इतना कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों के लिए दिन रात लगे हुए हैं तो आप इतना कर सकते हैं।
शुक्रिया। आप कहेंगे कुछ? हम तो ये कहेंगे मतलब जितना हम इनके बारे में कहेंगे ना वो कम ही पड़ जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे लिए। हमारे लिए बस की सुविधा दे रखी है भाई, बहन बेटियाँ कॉलेज में जा सके नहीं, बहुत सारे घर वाले वंचित लड़कियाँ रह जाती हैं भाई, कॉलेज में नहीं जा पाती, इसलिए हमने हमारे गांव में प्रोग्राम होता बस की मांग की थी, तब से इन्होंने हमारे लिए बस की मांग करते ही तुरंत लगा दी, तुरंत ही लगा दी। सरकार के पास एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, इनको कहना पड़ता है। सरकार तो करती ही नहीं, सरकार का तो क्या कहे, बस करने की होती है, क्योंकि इसीलिए तो सरकार बनाते हैं। तो है पर करती तो नहीं। दो गुड़िया और हैं, गुड़िया क्या नाम है? मुनेश। कहाँ से? हरियावास से। हरियावास से। तो अभी तक इतनी रात तक कैसे रुके हुए, क्या कहेंगे? रुके हुए हैं क्योंकि इनसे लगा हुआ है, और इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है बसों की, और बहन बेटियों के जिनके माता पिता नहीं उनके लिए कन्यादान की सुविधा दे रखी है, तो क्यों नहीं रुके? आपकी जो बसों की तकलीफ, क्योंकि अक्सर लड़कियों के लिए कॉलेज जाने के लिए सफ़र तय करने के लिए बसों की समस्या होती है, तो उस जो सुविधा इन्होंने की है उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? उससे बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, क्योंकि रियावास से गोपलवास के बीच कोई बस नहीं लगी हुई थी सुबह जाने के लिए, तो इसलिए हमें गोपलवास बस स्टैंड पर जाना पड़ता था, जहाँ से तो शाम की बसें पकड़ना पड़ती थी, और अब हमें घर से बैठा के ले जाती है और कॉलेज के आगे ही उतारती है, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये परेशानी। हाँ तो साथियों, इस चीज़ से बढ़ करके क्या हो सकता है, क्योंकि एक पेरेंट्स को क्या चाहिए, अपने बच्चों की अपनी बच्चियों के लिए एक रखरखाव चाहिए कि जब कॉलेज का सफ़र जो है बीच का सफ़र वो सुरक्षित हो जाए, और इन बच्चियों के लिए इन व्यक्ति ने जो सामने खड़ा हुआ शख्स है इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चियों के लिए कॉलेज तक का जो सफ़र था वो इन्होंने बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया है। कहने का मतलब है कि इनके पास बताने के लिए जाइए कि हमारे लिए समस्या ये है, 1 मिनट के अंदर उसका हल कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं, गरीब परिवार के अंदर तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं शायद उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं कि हमारी जो सरकारी की स्कीम होती है वो उनको शायद महीनों में मिलती होगी, लेकिन इस व्यक्ति के पास एक बार बताने की ज़रूरत है, और हाथों याद जो है वो स्कीम का जो इन्होंने चला रखी है, अगर माता पिता नहीं है तो 1,01,000 रुपये का जो कन्यादान चला रखी है, अगर माँ नहीं है तो 51,000 रुपये, और आम जो है कन्यादान राशि चला रखी है, वो एक वास्तव में एक बहुत ही, मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी हलके में नहीं देखी जा सकती है, तो ये एक ऐसी बहुत अच्छी बात इनके लिए हो सकती है। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।